हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऊर्जा आइगन फलन पढ़े थे किसी भी कण के जो कि एक विमीय बॉक्स के अंदर गति कर रहा था। यानी हमारे पास में एक कण था जो कि एक विमीय विभव बॉक्स के अंदर गतिशील था और हमने उसके ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलनों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम इसके आइगन फलन निकाल सकते हैं और किस तरह से हम इसके ऊर्जा जो आइगन मान होंगे उनको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं एक विमीय विभव बॉक्स के लिए। ठीक है, तो इनके लिए अपने पास में एक एग्जांपल है कि जो कण है हमारा वो एक विमीय विभव बॉक्स के अंदर गतिशील है और हमें क्या ज्ञात करना है कि उसके जो ऊर्जा आइगन फलन होते हैं वो लाम्बिक होते हैं। ठीक है, यानी हमें प्रूव करना है कि जो एनर्जी आइगन फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में कोई दो फंक्शन है साई एन एक्स और साई एम एक्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब साई एन स्टार एक्स साई एम एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, ये दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एक विमीय विभव बॉक्स में गतिशील कण होता है उसके जो आइगन फलन होते हैं क्या वे लाम्बिक होते हैं। तो हमने एक्सप्रेशन निकाला था आइगन फलनों के लिए, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि एक विमीय विभव बॉक्स में गतिशील एक विमीय विभव बॉक्स में गतिशील कण के ऊर्जा आइगन फलन निम्न होते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किसी एक विमीय विभव बॉक्स के अंदर जो गतिशील कण है उसके ऊर्जा आइगन मान हमने निकाले थे, तो वो क्या आए थे अपने पास में, साई एन एक्स इक्वल टू रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे क्या थे, एक विमीय विभव बॉक्स के में गतिशील जो कण था उसके ऊर्जा आइगन फलन थे। तो ये अपने पास में आ गए रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और हमें प्रूफ करना है कि क्या ये लाम्बिक होते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि साई एम एक्स इक्वल टू रूट टू बाय ए साइन एम पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो एक हमारा वेव फंक्शन हमने ले लिया साई एन एक्स रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, दूसरा हमने ले लिया रूट टू बाय ए साइन एम पाई एक्स अपॉन ए। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो फलन है वो लाम्बिक है और तो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाम्बिकता प्रतिबंध के लिए लाम्बिकता कंडीशन हमारी ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन साई एन स्टार एक्स साई एम एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यदि ये इस कंडीशन को पूरा करते हैं, ठीक है, इसे फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो यहां से हम मान रख दें साई एन एक्स और साई एम एक्स का, साई एन स्टार एक्स क्या होगा, साई एन एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है रियल वेव फंक्शन है। ठीक है, कहीं पर भी अपने पास में आयोटा की टर्म नहीं है, तो इसका जो स्टार हम लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेंगे वो क्या होगा, ये खुद ही होगा। तो यहां से हम मान रखे इसके अंदर इंटीग्रेशन साई एन स्टार एक्स
रूट टू बाय ए साइन, ये अपना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। लेकिन अपने पास में जो विभव बॉक्स हमने लिया था वो क्या था, जीरो से ए, उसकी जो रेंज थी वो कितनी थी, जीरो टू ए थी, ठीक है। तो यहां से हम क्या रखेंगे, जीरो टू ए बाउंड्री कंडीशन, ये जो बाउंड्रीज है इसकी वो हम जीरो से ए रखेंगे। तो रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और साई एम एक्स डी एक्स क्या होगा हमारा, रूट टू बाय ए साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, फिर यदि हमारे पास में मान जो है वो जीरो आता है तो क्या हो जाएंगे, एन और एम के मान कुछ भी हो सकते हैं, यानी हमारे ग्राउंड स्टेट वाले भी हो सकते हैं, बाकी जो अदर स्टेट हम लेते हैं एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू और एम के मान भी हो सकते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि, लेकिन ये दो अलग अलग फंक्शन होंगे एन और एम हमारे, तो यहां से अपने पास में रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और रूट टू बाय ए साइन एम पाई एक्स अपॉन ए डीएक्स, तो ये अपने पास में क्या आ गया, जीरो टू ए रूट टू बाय ए और रूट टू बाय ए दोनों क्या हो जाएंगे, रूट हट जाएगा तो टू बाय ए और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और साइन एम पाई एक्स अपॉन ए डीएक्स। यहां से अपने पास में क्या आ गया, साइन ए साइन बी, उसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो साइन ए साइन बी वो हमारे पास होता है टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि कोस ए माइनस बी हमारा क्या होता है, कोस ए कोस बी और प्लस का साइन ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया कि टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और यहां पर अपने पास में क्या है, साइन ए साइन बी, तो यहां इसे वन बाय टू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में मान आ गया तो इसे हम रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाय ए जीरो टू ए और वन बाय टू को हम आगे ले लेते हैं, तो ये बच गया कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी एन माइनस एम पाई एक्स अपॉन ए माइनस कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, एन प्लस एम पाई एक्स अपॉन ए डीएक्स, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया कोस एन माइनस एम पाई एक्स अपॉन ए और कोस एन प्लस एम पाई एक्स अपॉन ए, और जो इंटीग्रेशन है हमारा वो क्या है, जीरो से ए तक है, ठीक है। और ये हमारे दो वेव फंक्शंस हैं, तो इनको हम सोल्व करें, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कोस का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन के अंदर आएगा, ठीक है। और साइन के अंदर अगर हम जीरो वैल्यू रखेंगे, जैसे हम मान रखते हैं, मान लो हमने मान रखा टू बाय ए, यहां से कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया वन बाय ए, तो वन बाय ए और इंटीग्रेट हमने किया तो कोस एन माइनस एम पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो कोस का मान अपने पास में यहां पर क्या जाएगा, साइन एन माइनस एम पाई एक्स अपॉन ए, या और साथ में क्या जाएगा, ए अपॉन एन माइनस एम पाई, ठीक है। इसी तरह से अपने पास में इसका होगा माइनस का साइन साइन एन प्लस एम पाई एक्स अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए अपॉन एन प्लस एम पाई, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, साइन एन प्लस एम पाई एक्स अपॉन ए और ए एन प्लस एम पाई। एन और हमारे एन और एम जो है वो हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं, पूर्णांक है, वन टू थ्री में हम रखेंगे। तो जब हम साइन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जीरो या ए,
तो जीरो रखेंगे तब भी साइन जीरो होगा, और ए रखेंगे तब भी साइन की जो वैल्यूज है वो एन पाई की फॉर्म में ही आएंगी, ये पाई, टू पाई, थ्री पाई, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से अपने पास में आ गया कि वन बाय ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यानी जो हमारे वेव फंक्शंस थे साई एन एक्स और साई एम एक्स क्या होंगे, जो फलन थे वो हमारे लाम्बिक होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अतः साई एन एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। साई जो अपना था साई एक्स इक्वल टू क्या था, साई एन एक्स इक्वल टू रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, यानी जो दो वेव फंक्शन हमने माने हैं साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, लाम्बिक होंगे, ठीक है। साइन एन पाई एक्स अपॉन ए व साइन एम पाई एक्स अपॉन ए ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल लाम्बिक होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा एक विमेव बॉक्स के अंदर गतिशील कण है उसके जो ऊर्जा आइगन फलन होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। इसे यहां तक करें, ठीक है, इसे लिखे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की गति जीरो पॉइंट वन नैनोमीटर के एक विमीय बॉक्स में बद्ध है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के आइगन मान क्या हो सकते हैं, गणना कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक विमीय बॉक्स के अंदर गति कर रहा है और हमें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा आइगन मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो 0.1 नैनोमीटर के एक विमीय बॉक्स में बद्ध है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक बॉक्स के अंदर गति कर सकता है और उसकी जो गति है वो इस बॉक्स तक सीमित है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की गति इस बॉक्स के अंदर सीमित है, यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है वो किसका हो गया, एक विमीय बॉक्स का, और इस बॉक्स की चौड़ाई जो हमें कितनी दी हुई है 0.1 नैनोमीटर, यानी जो हमारी 0 से a तक की जो लेंथ थी वो कितनी है 0.1 नैनोमीटर। तो यहां से हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि हमें क्या क्या गिवन है, दिया है। तो हमें गिवन क्या क्या है कि a इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 9, तो इसे हम लिख सकते हैं
10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। और एक विभव कक्ष में बद्ध है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आइगन मान क्या हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 केजी। और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जो एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, En इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास में m का मान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी, और a का मान कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, और h का मान कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकंड, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, h का मान आ गया और m का मान हमने लिख लिया और a का मान हमें गिवन है। तो यहां से ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारा जो फॉर्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, इसके अंदर हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। तो इसमें जब हम मान रखें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हमारा ऐसे कैसे और h स्क्वायर का मान हम रखें तो ये कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9.1 ए स्क्वायर यानी इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31, और ए का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें गिवन थी वो हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। यहां तक लिखे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन कर लेंगे जो भी हमें वैल्यूज गिवन है सबकी। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, यहां तक लिखे। तो ये अपने पास में आ जाएगा En इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में मान आ गया एन स्क्वायर 6.63 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 34, माइनस 34 तो ये हो गया माइनस का 68, ठीक है। और अपॉन में कितना है, 8 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितनी होगी अपने पास में 31 और 20, तो ये कितनी है 51 हो गई। तो En इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा, En का मान हमारे पास आ गया n स्क्वायर और ये 6.63 का स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 68 प्लस 51, ठीक है। और यहां से अपने पास में बच गया 8 इंटू 9.1, ये हमारी जो एनर्जी है वो जूल के अंदर आ रही है। ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे n स्क्वायर, तो एक बार इसको कैलकुलेट कर ले, इसका स्क्वायर और अपॉन में 8 इंटू 9.1, ये अप्रोक्सीमेट 6.04 के आसपास आएगी। और पावर अपने पास में आ जाएगी माइनस का 18, यहां से अपने पास कितनी बचेगी 17 बच जाएगी। इसको हम सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट यहां तक आता है, बाकी एक बार इसको सोल्व करके देख ले। फिर हमारे पास में क्या आया, ये जूल के अंदर आया, ठीक है, ये मान हमारे पास जूल में आ रहा है। तो इसे अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से अपने पास में ये जो वैल्यू आई है इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज किया है।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज करने पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अपनी होगी इसको हम कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, तो ये अप्रोक्सीमेट अपने पास में आ रही है 37.7, और एन स्क्वायर अपना साथ में चल रहा है तो एन स्क्वायर 37.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये अपने पास में इतनी आ गई, और जो हमारा एन स्क्वायर है उसके मान हम एन इक्वल टू 1, 2, 3 जो भी रखेंगे वो अपनी एनर्जी आइगन वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो यहां से अपने पास में ई एन का मान क्या आ गया, ई एन इक्वल टू अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये एन स्क्वायर इंटू 38, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारी ई वन होगी वो तो कितनी हो जाएगी, अतः ऊर्जा आइगन मान, ठीक है, ऊर्जा आइगन मान निम्न होंगे, जैसे जैसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ऊर्जा आइगन मान आ जाएंगे, हम n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में कितने हो गए, ई एन इक्वल टू ई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर का मान 1 हो गया तो 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी प्रकार से हम ई टू निकाल लेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 38, तो ये अपने पास में वैल्यू जाती जाएंगी ई वन ई टू ई थ्री आदि, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो इस 1D बॉक्स के अंदर था और उसके ऊर्जा के जो आइगन मान होंगे वो हमारे पास में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें गिवन हो कि जो बॉक्स है हमारा उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है, बस उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि जो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन दे रखा है और चौड़ाई जो है वो बॉक्स की 1 एंगस्ट्रम दे रखी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रम चौड़ाई वाले एक विमीय बॉक्स में गतिशील बॉक्स में गतिशील प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा की गणना कीजिए, न्यूनतम ऊर्जा की गणना कीजिए ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 केजी तथा एचकेट इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर हमें दे रखा है कि जो हमारा एक विमीय बॉक्स है उसकी चौड़ाई कितनी है, 1 एंगस्ट्रम है, और हमें द्रव्यमान दे रखा है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। ये वैसे याद रखें अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो हम इसे लिख सकें, और चौड़ाई हमें हमेशा गिवन होगी, और एचकेट का मान भी हमको दे रखा है 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल सेकंड। वैसे जो एच क्रॉस होता है हमारा एच अपॉन 2π के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट हमें ये गिवन है तो हम यही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, एच क्रॉस का मान हमें दे दिया और एमपी हमें दे दिया, और हमें क्या पूछा है, प्रोटोन की
न्यूनतम ऊर्जा पूछी है। तो जो हमारे एनर्जी का फॉर्मूला होता है EN इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर अपॉन 2MA स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, जो हमने शून्य बिंदु ऊर्जा लिखी थी, जीरो पॉइंट एनर्जी हमारी, तो शून्य बिंदु ऊर्जा इसके अंदर कब आएगी हमें, एन इक्वल टू वन रखने पर। तो न्यूनतम ऊर्जा कब होगी, न्यूनतम ऊर्जा हो जाएगी हमारी ई वन इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2MA स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सारी चीजें गिवन है, तो ई वन का मान हो जाएगा 3.14 इंटू 3.14 एच कट का स्क्वायर 10 टू दी पावर माइनस थर्टी फोर पावर्स एड हो जाएंगी, और 2 इंटू एम का मान हमें क्या गिवन है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, ए का मान हमें 1 एंगस्ट्रम यानी वही 10 टू दी पावर -10 गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे 10 टू दी पावर -10 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोटोन की मिनिमम एनर्जी न्यूनतम ऊर्जा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, कंप्लीट वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करें कि यहां से अपने पास में क्या मान आ जाएगा, E1 का 1.6 हो गई, यहाँ से सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इनको कैलकुलेट कर लेंगे और जो हमारे पास में मान आएगा वो जूल के अंदर आएगा। उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा मान किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में मान आ जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी अपने पास में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमारा एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है, फोर्थ हो जाएगा ये, ठीक है। ये 10 एंगस्ट्रम चौड़ाई वाले एक विमीय विभव बॉक्स ठीक है, एक विमीय विभव बॉक्स के केंद्र पर वन एंगस्ट्रम परास में पाए जाने की प्रायिकता की गणना करो, जब कण मूल ऊर्जा स्तर में है।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि 10 एंगस्ट्रम चौड़ाई वाले एक विमेवर बॉक्स के केंद्र पर 1 एंगस्ट्रम परास में, यानी हमें चौड़ाई जो दे रखी है ए का मान हमें क्या दे रखा है, ठीक है, ए का मान हमें गिवन है 10 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो हमारे पास में ए का मान जो होगा वो कितना हो गया 10 एंगस्ट्रम हो गया, और उसके केंद्र पर 1 एंगस्ट्रम परास में पाए जाने की प्रायिकता हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया कि जो हमारा एक विमेवर बॉक्स होता है उसका वेव फंक्शन क्या होता है, √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये भी हमारा एक विमेवर बॉक्स का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक विमेवर बॉक्स के लिए उसको फलन को लिख लेंगे, हमारा जो तरंग फलन होगा साई। तो साई क्या होता है अपने पास में, साई एन एक्स इक्वल टू √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, एक विमेवर बॉक्स के लिए। तो यहां से अपने पास में आ गया कि 1D जो हमारा बॉक्स होगा उस 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए साई एन एक्स इक्वल टू √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है कि कण को हमें कब प्रायिकता की गणना करनी है, जब कण क्या है मूल ऊर्जा स्तर में है, अपने ग्राउंड लेवल में है, ठीक है। तो मूल ऊर्जा स्तर के लिए क्या हो जाएगा, मूल ऊर्जा स्तर के लिए साई 1x इक्वल टू √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, परास हमें क्या दे रखी है 1 एंगस्ट्रम हमें परास दे रखी है, ठीक है। तो प्रायिकता हमसे पूछी हुई है, तो प्रायिकता निकाल लेंगे हम, ठीक है, इनको लिख ले। अब हम क्या निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, प्रायिकता इक्वल टू p इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ साई का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हमें कोई रीजन गिवन हो, यानी कि 0 से लेके a तक का या कोई ना कोई हमें रीजन गिवन होता है, तब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहां पर हमें फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है उस रेंज की, ठीक है। तो यहां पर हम इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम डेल्टा एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, p इक्वल टू मोड ऑफ साई का स्क्वायर डेल्टा एक्स, जो हम इंटीग्रेट करके dx लगाते थे और हम रेंज रखते थे, उसकी जगह हमें रेंज गिवन है, तो हम डायरेक्ट डेल्टा एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया p इक्वल टू मोड ऑफ साई का स्क्वायर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमें गिवन है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम दिया है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम हमें मान गिवन है, प्रायिकता हमें निकालनी है, मोड ऑफ साई का स्क्वायर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मान अपने पास में है, साई हमें पता है, तो हम क्या रख देंगे, p इक्वल टू मोड ऑफ साई का स्क्वायर यानी √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए का स्क्वायर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमें किसने पूछा है, बॉक्स के केंद्र पर, यानी हमारा जो बॉक्स है उसके केंद्र पर पूछा है, अगर हम पूरी जो लंबाई a लेके चल रहे हैं उसके केंद्र पर हमें पूछा है, यानी a/2 पर हमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा, √2/a का स्क्वायर 2/a साइन स्क्वायर पाई एक्स की जगह हम क्या रखेंगे a/2, और डेल्टा एक्स का मान हमारा है 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। सारी वैल्यूज हम रखें तो क्या हो गया 2/a, a का मान कितना है 10 एंगस्ट्रम, साइन स्क्वायर π/2, π/2 का मान 1 होता है, तो साइन का मान कितना हो गया 1 हो गया,
और इनटू में आ गया अपने पास में वन एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.2, यानी ये जो हमारा सिस्टम हमें गिवन था, कण की हमें कण दे रखा था और जीरो से ए जो हमारा बॉक्स था, 10 एंगस्ट्रम इसकी चौड़ाई थी और हमें केंद्र पर और इतनी रेंज के अंदर जब पूछा था तो वहां पर कण के होने की प्रायिकता कितनी है 0.2 या 20%, ठीक है। तो यहां से हम प्रायिकता निकाल सकते हैं कि यहां पर होने की प्रायिकता जो होगी कण की वो 20% होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे जिनके अंदर हमें चौड़ाई दे रखी होगी और हमें रेंज गिवन होगी और हमें पूछेंगे कि प्रायिकता कहां पर कितनी होगी, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। और अगर हमें रेंज जो वो पर्टिकुलर मान नहीं गिवन हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर इंटीग्रेट कर लेंगे जितनी लेंथ हमें गिवन है, जितनी इसकी चौड़ाई हमें गिवन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं।